हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जैसे कि मैंने लिखा है, ये एक प्रकार का रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका मतलब है कि जब किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है या फिर किडनी इज नॉट एबल टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मल फंक्शन जो किडनी अपना नहीं कर पा रही और जिसके कारण से बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसका बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है, या फिर इस रीनल फेलियर के कारण एसिडोसिस हो जाता है या फिर पोटेशियम राइज हो जाता है। इन सब केसेस में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस इज ए टाइप ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कि जब किडनी नहीं काम कर पा रही तो वो मशीन के द्वारा जो ब्लड है दैट इज बीन फिल्टर्ड आउट सो दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो आई हैव रिटन द इंडिकेशंस, यू कैन गो थ्रू दिस, यू कैन राइट द इंडिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मीन्स द ब्लड इज बीन नाउ फिल्टर्ड इन ए थ्रू ए आर्टिफिशियल किडनी। सो द इंडिकेशंस आर फर्स्ट हाई सेरम पोटेशियम। It is seen in acute kidney injury as well as it is also seen in chronic renal failure. The increasing acidosis, kidney failure के साथ साथ क्या होता है, body is not able to maintain or excrete H plus ions from the body. तो इसी कारण से body का जो environment है it is increasingly acidotic. So to maintain the acid base balance hemodialysis is required. Third indication kya likha hua, excess amount of nitrogenous waste as I have already said. Then fluid overload, ab kidney ka kaam hai excess jo water hai that has to be removed from the body. So kya hota hai ki when the kidneys are damaged fluid is also not excreted from the body. So kya hota hai ki there is lot of fluid accumulation inside the body. इस फ्लूइड एक्युमुलेशन से अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो देन इमीडिएटली हीमोडायलिसिस इज रिक्वायर्ड टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। देन नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस, इट इज आल्सो ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। इन सब केसेस में भी तुरंत हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। एंड पेशेंट्स हु आर शोइंग यूरेमिक सिम्टम्स जैसे कि मेटालिक टेस्ट हो गया, सीवियर एनोरेक्सिया हो गया, कन्फ्यूशन हो गया, सीवियर कन्फ्यूशन है, मैलेज है, वीकनेस है, विच आर द साइंस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। इन सब केसेस में हीमोडायलिसिस इज रिक्वायर्ड टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सो टू समराइज आप ये कह सकते हैं कि हीमोडायलिसिस एक्यूट रीनल फेलियर तथा क्रॉनिक रीनल फेलियर में यूज किया जा सकता है जब तक कोई और अल्टरनेटिव का जो अरेंजमेंट नहीं हो जाता। देन नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीमोडायलिसिस। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव वेस्ट as well as fluid from the body. Next है principles और आप कह सकते हो mechanism। mechanism in hemodialysis। hemodialysis में क्या किस प्रकार से waste products को remove किया जाता है, it is removed with the help of a machine which is called as artificial kidney. उस artificial kidney को हम लोग dialyzer भी बोलते हैं। तो dialyzers are used. dialyzers क्या होता है, dialyzers are a type of straw like tubes. ठीक है, dialyzer का अगर हम diagrammatically देखिए, these are straw like tubes. तो ब्लड क्या होता है, इट विल पास थ्रू दिस डायलाइजर मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है ये होता है सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल। इससे इसमें से अगर ब्लड जब एंटर होता है तो क्या होगा,
जो एक्सेस और जो टॉक्सिन्स है दीज आर रिमूव आउटसाइड। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है लाइक प्रोटीन्स या आरबीसीज है वो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे। तो डायलाइजर या फिर आर्टिफिशियल किडनी में खूब सारे स्ट्रॉ लाइक ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, जिसके भीतर से, ठीक है, तो ब्लड है इट इज फ्लोइंग इनसाइड द स्ट्रॉ लाइक ट्यूब्स और सराउंडिंग क्या मतलब डायलेसिट एक प्रकार का फ्लूइड होता है विच इज हेल्पिंग इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि इस डायलेसिट में इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है ताकि जो टॉक्सिन्स है वो तो बाहर आ जाए लेकिन जो और जो हैवी मेटल्स है यानी पॉइजनिंग के केसेस में कोई ड्रग्स हैं वो सब कुछ बाहर आ जाता है। वाटर है वो बाहर आ जाता है, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ जाता है लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन वो नहीं आ पाता है। तो डायलेसिट का कॉन्सेंट्रेशन उस प्रकार से बनाया जाता है। तो स्ट्रॉ लाइक ट्यूब चारों तरफ है और डायलेसिट सॉल्यूशन के अंदर वो स्ट्रॉ लाइक ट्यूब जाता है। ब्लड जो स्ट्रॉ लाइक ट्यूब्स के भीतर से गुजरता है एंड द एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स आर रिमूव इनटू द डायलेसिट फ्लूइड। तो डायलेसिट फ्लूइड में एक तरफ से प्योर डायलेसिट फ्लूइड आर्टिफिशियल किडनी में पहुंच जाता है, दूसरी तरफ से क्या होगा तो डायलेसिट फ्लूइड फिल्टर जब ब्लड में फिल्ट्रेशन हो सॉरी किडनी में फिल्ट्रेशन आर्टिफिशियल किडनी में जब फिल्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा दैट डायलेसिट फ्लूइड गोज आउट फ्रॉम द मशीन। उस डायलेसिट फ्लूइड में सारे जो टॉक्सिन्स है वेस्ट प्रोडक्ट्स है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो सारे कुछ रिमूव हो जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या है, डायलाइजर इज यूज, डायलाइजर इज ए टाइप ऑफ स्ट्रॉ लाइक ट्यूब विच हैज मेम्ब्रेन विच इज द मेम्ब्रेन दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल विच इज हेल्पिंग इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। नाउ द प्रिंसिपल बिहाइंड हीमोडायलिसिस, देर आर थ्री प्रिंसिपल्स ऑन विच हीमोडायलिसिस वर्क। फर्स्ट है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स जो इस ट्यूब से बाहर डायलेसिट बाथ में चला जाता है वो है टॉक्सिन अर्थात जो नाइट्रोजनस बेसिस। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है दीज आर रिमूव थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम द ब्लड विच इज फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब टू द डायलेसिट सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड द थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस जैसे आपको पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है वाटर मूवमेंट, जहां पे वाटर कम है जहां पे वाटर ज्यादा है, जहां वाटर जहां पे ज्यादा है वहां से फ्लो करता है इनटू द एरिया विच हैज लेस वाटर दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ब्लड में क्या होता है वाटर इज मोर बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्युमुलेशन सो ब्लड से क्या होता है तो वाटर इज रिमूव इनटू द डायलेसिट फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस। एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी क्या होगा सेम वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्या करते हैं डायलेसिट फ्लूइड या ये जो मशीन है इसको आगे सक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि एक नेगेटिव फोर्स या नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जा सके जिससे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन किया जा सके। ग्रेडियंट जितना हाई होगा उतना ही इजीली वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलेसिट फ्लूइड। तो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स विच आर देयर इन हीमोडायलिसिस। वन इज डिफ्यूजन, अनदर इज ऑस्मोसिस एंड थर्ड वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
एसिड सॉल्यूशंस में कई सारे जो केमिकल्स यूज किया जाता है सो दैट बॉडी का जो पीएच है या बफर सिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सके. एंड व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द डायलाइजर, डायलाइजर एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो जैसे ब्लड चला जाता है इनटू द आर्टिफिशियल किडनी और दैट मशीन स्ट्रॉ लाइक ट्यूब, तो क्या होता है ब्लड के क्लॉटिंग क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो हेपेरिन इज एडेड इनटू दैट डायलाइजर टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एज वेल एज जो डायलिसिड जो सॉल्यूशन है उसमें बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा आर एडेड टू मेंटेन द बफर सिस्टम या बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए डायलिसिड सॉल्यूशन में केमिकल्स ऐड किया जाता है. देन आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट द वास्कुलर एक्सेस. अब हीमोडायलिसिस करने के लिए हीमो मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू हैव टू डू हीमोडायलिसिस देन वास्कुलर एक्सेस इज रिक्वायर्ड. बिना वास्कुलर एक्सेस के हीमोडायलिसिस पॉसिबल ही नहीं. तो वास्कुलर एक्सेस में क्या होता है कि एक्यूट केसेस में एक्यूट रिनल फेलियर या फिर अगर पेशेंट को बहुत कम टाइम के लिए डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो फिर कोई परमानेंट वास्कुलर एक्सेस नहीं बनाया जाता. क्रॉनिक रिनल फेलियर वाले पेशेंट्स में परमानेंट वास्कुलर एक्सेस तैयार किया जाता है. एक्यूट केसेस में क्या करते हैं हम लोग एक डबल लूमेन कैथेटर यूज करते हैं. उस कैथेटर को फ्यूमोरल वेन, सबक्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन के वाया पास किया जाता है. तो उस डबल लूमेन का मतलब है वन पोर्ट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द डायलाइजर मशीन, और जो दूसरा पोर्ट है उससे क्या होता है जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस बॉडी में चला जाता है. तो दिस इज डबल लूमेन कैथेटर, इट इज इंसर्टेड इन टू द वेन. वेन्स को मैंने बता ही दिया जैसे कि जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, इन सब वेन्स में या फ्यूमोरल वेन इनमें इंसर्ट किया जाता है. लेकिन जो डिसएडवांटेज ऑफ दिस कैथेटर इज दैट इट कैन नॉट बी यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ चांस ऑफ इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया. फॉर दैट यू रिक्वायर ए परमानेंट वैस्कुलर एक्सेस. तो परमानेंट वैस्कुलर एक्सेस किस प्रकार से बनाया जाएगा? With the help of AV fistula. CRF, chronic renal patient, renal failure patients या end stage renal disease वाले जो patients में जिनको hemodialysis, जो hemodialysis पे चल रहे हैं उनमें AV fistula ज़्यादातर patients में बनाया जाता है. AV fistula is AV is A is arteriovenous fistula. Fistula, meaning of fistula is abnormal, आप कह सकते हैं एबनॉर्मल रूट और एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी पार्ट्स. जहाँ पे ओपनिंग नहीं होना चाहिए अगर वहाँ पे आपने रूट बनाया है दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल चैनल. सो एवी फिस्टुला इज इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज ए आर्टिफिशियल क्रिएटेड चैनल. मतलब आर्टरी और वीनस को जोड़ दिया जाता है. नॉर्मली आर्टरी अलग चलती है और वेन अलग चलता है, तो आर्टरी और वीनस को आपस में जोड़ दिया जाता है, एनास्टोमोज कर दिया जाता है. And then that vascular access is used for hemodialysis. AV fistula, artery venous fistula. Artery is anastomosed with vein. Or vice versa. तो ये एक surgical procedure है. थोड़ा टाइम लगता है ये फिस्टुला बनने के लिए और मैच्योर होने के लिए. इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months टाइम. आफ्टर दैट ओनली दैट फिस्टुला कैन बी यूज फॉर हीमोडायलिसिस. एंड देन द थर्ड इज वैस्कुलर एक्सेस इज एवी ग्राफ्ट. ग्राफ्टिंग मतलब एक आर्टिफिशियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर जो कनेक्ट करता है आर्टरी के साथ वेन को. इसमें डिसएडवांटेज ये है कि एक प्रकार ग्राफ्ट इज ए टाइप ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्लॉटिंग और ज़्यादा फेलियर हो जाता है. ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्राफ्ट यूज़ नहीं किया जा सकता.
लेकिन फिस्टुला जो है वो काफी लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। नाउ लेट अस सी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायलिसिस ट्रीटमेंट। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। Complications of dialysis treatment include first is anemia, blood loss से भी हो सकता है because you are doing that it is a type of invasive procedure and also because of CRF जहाँ पे erythropoietin production कम हो जाता है तो first complication can be anemia. Second complication is heart failure because of fluid overload. क्योंकि डायलिसिस इंटरमीडियंटली करते हैं जैसे हफ्ते में 3 से 4 बार किया जा सकता है तो बार बार फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड द पर्सन इन लॉन्ग टाइम कैन हैव हार्ट फेलियर एंड देन आफ्टर दैट पेरिफेरल वैस्कुलर इनसफिशियंसी देन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज ऑल्टर्ड इसमें क्या होगा कि ऑस्टियोडिस्ट्रोफी दैट मीन्स वीकनिंग ऑफ द बोन्स कैन ऑकर विच इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायलिसिस समटाइम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑकर्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन इट कैन ऑकर इन बिटवीन द टू डायलिसिस और इट कैन ऑकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायलिसिस ऑल्सो The next complication is hypotension. Hypotension is CVD. How fast the fluid is removed from the body, and so the person can experience hypotension. The hypotension ये क्या क्या signs हो सकते हैं जैसे patient will feel very nauseated. तो hypotension के साथ आप लिख सकते हो nausea, sensation of nausea and vomiting. डायफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट देन टैकिकार्डिया विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है एट द टाइम ऑफ डायलिसिस आफ्टर दैट द पर्सन कैन हैव पेनफुल मसल क्रैम्प्स एट द टाइम ऑफ डायलिसिस पेनफुल मसल क्रैम्प्स इसलिए है बिकॉज वेरी फास्ट सोडियम या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दीज आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इसी कारण से एट द टाइम ऑफ डायलिसिस ड्यूरिंग द डायलिसिस द पर्सन कैन एक्सपीरियंस पेनफुल मसल क्रैम्प्स आफ्टर दैट वन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये काफी इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जिसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है एक हीमोडायलिसिस पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगर नीडल डिसलॉज हो जाता है एट द टाइम ऑफ थेरेपी डायलिसिस के दौरान अगर नीडल डिसलॉज हो जाए तो तुरंत ही पेशेंट कोलैप्स हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज एक्ससैंग्विनेशन इसका मतलब ब्लड इतना सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा फ्रॉम दैट साइड दैट द पर्सन विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ ऑल वो कारण क्या है नीडल डिसलॉजमेंट तो इसी कारण से क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग डायलिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज डिसरिथमिया इज ड्यू टू इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स देन नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज एयर एम्बोलिज्म देन नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म हो ही सकता है बिकॉज इट इज ए नीडल्स आर इंसर्टेड ठीक है तो जैसे आईवी प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशन है एयर एम्बोलिज्म का यहाँ पे भी वही सेम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है देन चेस्ट पेन इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रैपिड शिफ्टिंग ऑफ ब्लड Then dialysis disequilibrium syndrome. एक और complication है वो क्या आपका dialysis disequilibrium syndrome.
हीमोडायलिसिस सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज ऑकर्स बिकॉज ऑफ फ्लूइड शिफ्ट, सेरिब्रल फ्लूइड शिफ्ट. तो क्या होगा, पेशेंट विल एक्सपीरियंस कंफ्यूजन, पेशेंट विल एक्सपीरियंस हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स. दीज आर ड्यू टू रैपिड सेरिब्रल फ्लूइड शिफ्ट. मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डायलिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, जिसमें कि मैंने अभी एक बताया था कि वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर फॉर डिसलॉजमेंट, वी हैव टू मॉनिटर द बीपी पल्स एट द टाइम ऑफ डायलिसिस. देन एडुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, एडुकेशन, एडुकेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. एडुकेशन रिगार्डिंग डाइट, एडुकेशन रिगार्डिंग ड्रग्स. अब डायलिसिस से पहले कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको विथहोल्ड किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव पे चल रहा है तो नॉर्मली एंटी हाइपरटेंसिव आर गिवन आफ्टर द डायलिसिस एंड नॉट बिफोर स्टार्टिंग द डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस के दौरान प्रेशर और फॉल हो जाएगा एंड पर्सन विल हैव, पर्सन कैन कोलैप्स. ठीक है, तो सम मेडिकेशंस आर विथहेल्ड बिफोर डायलिसिस, तो वो ड्रग एडुकेशन देना जरूरी है. आफ्टर दैट डाइट, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट एंड फ्लूइड, इसके बारे में बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डाइट में क्या होता है, इन ऑल केसेस ऑफ रीनल फेलियर सेम जो डाइट रेस्ट्रिक्शन है वही यहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल है. इसमें क्या लिखना है, यू हैव टू राइट दैट प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन इज देयर. प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज गिवन टू द, हैज टू बी गिवन टू द पेशेंट, इट हैज टू बी अराउंड 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन दे सकते हैं पेशेंट को. इसी कारण से जो हाई बायोलॉजिक वैल्यू प्रोटीन आर गिवन, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जिसमें प्रेजेंट है, वो प्रोटीन्स हम पेशेंट को देते हैं. देन नेक्स्ट है फ्लूइड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्लूइड इज अराउंड 500 to 600 ml. इतना ही फ्लूइड हम दे सकते हैं, 500 से 600 ml प्लस प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट, उतना ही हम पेशेंट को दे सकते हैं. देन नेक्स्ट है पोटेशियम हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड. पोटेशियम रिच डाइट लाइक फ्रूट्स है ना, बनानाज एटसेट्रा, एप्रिकॉट्स, रेजिन्स, दीज आर टू बी मिनिमाइज. देन सोडियम का जो इंटेक है इट इज अराउंड 2 to 3 ग्राम पर डे. एंड जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं, नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको कह सकता हूँ कि इन सब पेशेंट्स में यू हैव टू मीट द साइकोसोशल नीड्स. साइकोसोशल नीड्स से क्या समझते हो, जैसे इन सब पेशेंट्स में क्या होता है, द पेशेंट विल एक्सपीरियंस डिप्रेशन, एंगर है ना, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ सॉरी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम एट्सेट्रा, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इन सब पेशेंट में. फाइनेंशियल क्राइसिस, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द पेशेंट हु आर अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस. तो अकॉर्डिंगली द इंटरवेंशन विल बी प्लान. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.